हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद चेरी। आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है पेरेंट्स के लिए एडमिशन के टाइम उनको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो फॉर्म फिलिंग के टाइम हो या वर्बल हो। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहले आपका नाम या आपके बच्चे का नाम पूछा जाएगा, व्हाट इज़ योर नेम एंड योर चाइल्ड्स नेम। That you can tell them very well. So we will not discuss that and we will start from this question. जैसे generally पूछा जाता है कि आपकी educational या professional qualification क्या है, तो उसमें आपको अपनी qualification के बारे में बताना है, अपने career के बारे में बताना है कि आप क्या कर रहे हैं आज की date में, और जो आपकी qualification है उसके लिए आप अपने बच्चे को कैसे एक अच्छी एजुकेशन के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं आई एम अ साइंस ग्रेजुएट, अगर आप साइंस के ग्रेजुएट हैं। अगर आप किसी और चीज़ में ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप वो बोल सकते हैं, आई हैव डन मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, जिसमें भी आपने मास्टर्स किया है आप उसके बारे में बता सकते हैं। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, जहाँ भी कंपनी, स्कूल, ऑफिस, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। आई कैन वेरी वेल गाइड माई चाइल्ड इन स्टडीज़, तो आप अपनी स्टडीज़ के बेसिस पे बता सकते हैं कि मैं अपने बच्चे को खुद गाइड कर सकता हूँ उसकी स्टडीज़ के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली पूछा जा रहा है, कैन यू टेल मी अबाउट योर चाइल्ड इन ब्रीफ, कि आप अपने बच्चे के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। तो ये दो तीन बच्चों के बेसिस पे मैंने एग्जांपल लिया, आप इसमें अपने बच्चे के अकॉर्डिंग कुछ भी जो उसकी क्वालिटीज़ है आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, माय सन इज़ वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट चाइल्ड, जो मेरा बच्चा है वो बहुत ही प्यारा, लवेबल है, एंड ही लव्स हग्स एंड अटेंशन, वो उसको हर चीज़ में वो अटेंशन मांगता है, एंड ही मेक्स एवरी वन लाफ, सबको खुश रखता है, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी चाइल्ड, बहुत खुश मिजाज बच्चा है, एंड आई जस्ट कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट हिम, और उसके बिना तो मैं अपनी ज़िंदगी इमेजिन भी नहीं कर सकती। और एक और है कि माई डॉटर इज़ वेरी जेंटल एंड विद अदर किड्स, कि वो दूसरे बच्चों के साथ बहुत ही जेंटल है, एंड शी हैज़ एन अमेजिंग मेमोरी, और उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, अमेजिंग है, एंड शी रिमेंबर द डिटेल अबाउट द पीपल, प्लेस एंड थिंग्स, जो भी उसके टच में आते हैं लोग या कोई जगह जहां हम घूमने जाते हैं या कोई चीज़, तो जनरली वो उसको उसकी डिटेल्स को याद रखती है। एक और है, माई डॉटर इज़ सो क्रिएटिव, कई बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं, शी इज़ वेरी सेंसिटिव गर्ल एंड शी लव्स टू टेक केयर ऑफ अदर्स, और कोई उससे छोटा बच्चा है या कोई भी उसके रिलेशन में आता है तो उसको बहुत ज़्यादा केयर करती है। एक क्वेश्चन और है, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, फैमिली के बारे में अक्सर ही पूछा जाता है, जैसे कि वो जानना चाहते हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आपकी न्यूक्लियर फैमिली है। अगर तो आप जॉइंट फैमिली में हैं तो इट्स गुड फॉर यू, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप बच्चे के लिए किसकी हेल्प लेते हो, अगर ड्यूरिंग दैट आप उसकी खुद से केयर नहीं कर सकते किसी टाइम कोई ऐसा होता है तो। का एक एग्जांपल भी है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आप सिंपली ये कह सकते हैं, आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, मैं एक जॉइंट फैमिली में रह रहा हूँ, एंड वी आर सिक्स मेंबर्स, हम सिक्स पर्सन्स हैं इसके अंदर, एंड आई रियली इन्जॉय माई सेल्फ लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, और मैं जॉइंट फैमिली में रहने को बहुत इन्जॉय करता हूँ। और इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, I am living in a nuclear family and we are four members. Nowadays, it has become the requirement of the time. ये लाइन मैंने इसलिए ऐड करी कि कई बार क्या होता है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक बन जाता है बच्चे के लिए कि अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हो तो बच्चे की केयर कौन करता है। तो उस केसेस में हम थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि टाइम की रिक्वायरमेंट के लिए हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, समटाइम्स वी नीड टू गेट शिफ्टेड टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर। एंड नेक्स्ट इज, हाउ वुड यू इनकलकेट गुड वैल्यूज़ इन योर चाइल्ड, कि आप अच्छी वैल्यूज़ कैसे डालते हो अपने बच्चे में, कैसे उसको
कैसे उसके लिए मोटिवेट करते हो, तब आपको ये बताना है कि आप किस तरह से उसको अपनी कंट्री के बारे में, ये बुरा है ये अच्छा है, इसके बारे में कैसे बताते हो। तो उस केस में एक एग्जांपल मैंने दिया, आई थिंक बेड टाइम स्टोरीज आर वेरी गुड वे ऑफ टीचिंग वैल्यूज टू आर किड्स, कि जो बेड टाइम स्टोरीज हैं उस टाइम हम भी फ्री होते हैं, बच्चे भी फ्री होते हैं, तो उस टाइम जो हम उनको कोई बात सुना रहे हैं एज अ स्टोरी, तो वो बहुत अच्छे से सुनते हैं। सो इट हैज़ बिकम माई रूटीन टू नरेट वन स्टोरी डेली बिफोर पुटिंग माई किड्स टू द बेड। तो ये एक मेरी मैंने रूटीन बना रखी है कि उसको सुलाने से पहले मैं एक स्टोरी ज़रूर सुनाती हूँ, एंड इट्स अ बेस्ट वे टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट, टीच वैल्यूज एंड टू डिवेल्प देयर थिंकिंग स्किल्स। इस तरह से ये एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और उसको कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है जो उसके थिंकिंग स्किल्स को डिवेल्प करते हैं। और जब प्री नर्सरी के स्टूडेंट को हम स्कूल में डालते हैं तो जनरली बच्चा टॉयलेट ट्रेन नहीं भी होता, तो ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि इज़ योर चाइल्ड टॉयलेट ट्रेन, इफ़ येस देन टेल देम, अगर तो आपको आप श्योर हो तो उनको बता दीजिए, अदरवाइज यू कैन इंश्योर देम दैट यू आर गिविंग टॉयलेट ट्रेनिंग दीज डेज एंड सून ही और शी विल बी वेल ट्रेन्ड। तो आप बता सकते हैं कि मैं उसको ये इस चीज़ की काफ़ी ट्रेनिंग दे रहा हूँ इन दिनों में, जब तक वो स्कूल ज्वाइन करेगा वो काफ़ी ट्रेंड हो जाएगा। और इसके एक एग्जाम्पल भी है, जैसे येस ही इज़, अगर वो है तो हम कह सकते हैं, बट इट विल बी बेटर इफ क्लास अटेंडेंस आस्क हिम टाइम टू टाइम सिंस ही इज न्यू टू दिस एनवायरनमेंट, कि जो उसका कोई क्लास में जो अटेंडेंट है वो उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद पूछ ले, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा हेजिटेट करे क्योंकि वो इस एनवायरनमेंट में नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर योर चाइल्ड्स हॉबीज एंड इंटरेस्ट। ये अक्सर ही पूछा जाता है कि बच्चे किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसका एक एग्जांपल लिया है मैंने। ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रही हूँ कि एक पेरेंट जैसे कोई क्या आंसर देगा, तो आप उससे थोड़ा सा अपने बच्चे को कोरिलेट करके आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। एंड आई थिंक चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एन इननेट एंड प्राइम इंटरेस्ट इन एवरीथिंग। मेरे अकॉर्डिंग मैं सोचता हूँ कि जो बच्चों की जो इंटरेस्ट होते हैं वो नेचुरल होते हैं, एंड हॉबीज़ फॉर लिटिल किड्स आर अ ग्रेट वे टू कीप देम फोकस्ड एंड बिजी। और जो हॉबीज़ होती हैं वो एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम बच्चों को कैसे एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करवा सकें या उनको बिजी रख सकें। माई चाइल्ड्स हॉबीज़ क्ले मॉडलिंग, मेरे बच्चे को क्ले की जो चीज़ें हैं उसमें बनाने में बहुत इंटरेस्ट है। एंड मॉडल बिल्डिंग इज़ यूजिंग ब्लॉक, मॉडल बिल्डिंग बाई यूजिंग ब्लॉक्स इज़ ऑल्सो हिज फेवरेट गेम। कोई जैसे ब्लॉक्स बच्चे खेलते हैं, उसे अलग अलग तरह की बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो वो जो है वैसी गेम के बारे में बता सकते हैं कि वो उसकी फेवरेट गेम है। ही ऑल्सो लव्स ड्राॅइंग एंड कलरिंग, ये तो सब बच्चों के लिए अप्लीकेबल होता ही है। एंड नेक्स्ट है, वाई डिड यू सेलेक्ट आर स्कूल, हैव यू अप्लाइड टू सम अदर स्कूल। तो इसमें जैसे वो पूछ सकते हैं कि आपने हमारा स्कूल क्यों चूज़ किया, या फिर क्या आपने किसी और स्कूल के लिए अप्लाई किया है। तो उस टाइम आप स्कूल के थोड़ी हिस्की हिस्ट्री बता सकते हैं कि उनकी बैकग्राउंड कैसी है, जो आपने लोगों से पता करी है, जो उसके फैकल्टी मेम्बर्स कैसे हैं, उसके टीचर्स कैसे हैं, उनका पढ़ाने का स्टाइल क्या है, या फिर आपके घर से कैसे वो अप्रोचेबल है, ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा। कहीं अप्लाई किया है किसी और स्कूल में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनको बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका एक आंसर एग्जांपल है, टू द पॉइंट, आई चोज योर स्कूल बिकॉज इट्स अ पॉपुलर एंड रेप्यूटेड स्कूल ऑफ द सिटी। मैंने आपका स्कूल इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये सिटी का सबसे पॉपुलर स्कूल है और इसकी अच्छी रेपुटेशन भी है। And I think this can provide an atmosphere where creativity of a child's mind is developed and nurtured through mental, physical and social activities. और मुझे लगता है कि ये स्कूल ऐसा एटमोसफियर प्रोवाइड करता है बच्चों को जिससे कि वो मेंटली और फिजिकली और सोशल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे के चाइल्ड के माइंड को डिवेल्प करता है। मोर ओवर इट्स नियरेस्ट टू माई हाउस या होम, तो ये हमारे घर के पास भी है।
नेक्स्ट है, आर यू बोथ वर्किंग? हाउ डू यू प्लान टू कोऑर्डिनेट विद योर चाइल्ड स्कूल टाइमिंग? अगर आप दोनों वर्किंग हैं तो आप स्कूल टाइमिंग्स के साथ बच्चे की कैसे मैनेज करोगे? तो उस टाइम आपको ये नहीं कहना है कि हम कोई टीचर, ट्यूशन टीचर अरेंज कर लेंगे या कुछ ऐसा। उनको ये बताइए कि आप दोनों कुछ ऐसा मैनेज करेंगे कि हम अपने बच्चे को देख सके। और इसके अलावा, या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई एल्डर है, कोई बड़ा है, कि कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप उनको श्योर कर सकते हो इस चीज़ के लिए कि वो उनकी बहुत अच्छे से केयर कर लेंगे। और एक है कि हाउ मच टाइम डू यू बोथ स्पेंड विद योर चाइल्ड? अक्सर स्कूल वाले ये पूछते हैं कि अगर पेरेंट्स बिजी हैं, दोनों ही वर्किंग हैं, तो फिर बच्चे की तरफ ध्यान दे पाएंगे या नहीं। तो तब वो थोड़े से ऐसी क्वेरीज करते हैं कि आप कितना टाइम बिताते हैं बच्चों के साथ। तब आप बता सकते हैं कि कभी कभी जैसे फैमिली की आउटिंग के लिए हम चले जाते हैं, कोई पिकनिक वगैरह या कुछ भी, और बता सकते हैं कि जनरली जो हम डिनर करते हैं वो हम इकट्ठे करते हैं, अपने बच्चों से उस टाइम हम बात करते हैं कि जैसे सारा दिन उनका कैसा गया, इससे हम उनकी डेली रूटीन के बारे में पता कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक इट, एंड प्लीज हेल्प मी टू शेयर दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच वीडियोज। ओके, गुड लक।